हेलो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो दो न्यू टू माई चैनल हाई आई एम सोनल एंड यू आर करेंटली वॉचिंग सोनल स्किन केयर इन दिस वीडियो आई एम गॉन शेयर अ वेरी इफेक्टिव होम मेड हेयर ऑयल विच हेल्प्स यू टू प्रिवेंट हेयर लॉस ट्रीट स्केल्फ इन्फेक्शन एंड ऑल्सो प्रमोट्स न्यू हेयर ग्रोथ सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो सो इस ऑयल को बनाने के लिए जो पहला इन्ग्रीडियंट है वो है फ्रेश नीम लीव्स जैसा कि आप सभी जानते हैं नीम लीव्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इसके के लिए शायद आपकी दादी नानी या मम्मी आप लोगों को नीम से बने सोप्स ऑयल शैम्पूज यूज़ करने बोलते होंगे इनफैक्ट बहुत से लोग नीम जूस भी पीते हैं नीम बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफायर माना जाता है नीम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर सिर्फ हैज़ की बात करें तो नीम में एंटी फंगल प्रॉपर्टी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा साथ ही आपके बालों को हेल्दी स्ट्रांग और थिक बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपको नीम लेने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से वॉश करिए वॉश करने के बाद एक मिक्सर जार में आप वो आ, फ्रेश जो आपने धो के रखा हुआ नीम उसको डालकर उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाइए ध्यान रखें कि आप जब भी उसको ग्राइंड करें तो आप उसमें अलग से कोई पानी ऐड ना करें क्योंकि आप उसमें पानी ऐड करेंगे तो उसका जो कंसिस्टेंसी होगा वो बहुत ज़्यादा रनी बनेगा इसलिए आपको उसमें थोड़ा भी पानी अलग से ऐड नहीं करना है सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में आपको कुछ इस तरीके का कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट रेडी करना है सो so, यहाँ हमारा नीम पेस्ट बन के रेडी है अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें जाना पड़ेगा किचन में तो चलिए चलते हैं सो so, किचन में आने के बाद हमें चाहिए एक बर्तन जिसमें हम अपना ऑयल प्रिपेयर करेंगे सो so, बर्तन में हम डालेंगे हाफ बोल्ड कोकोनट ऑयल आप इस ऑयल को दो से तीन हफ्ते तक बना कर रख सकते हैं उसके बाद आप फ्रेश बनाइए मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा ही बना रही हूँ आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं कोकोनट ऑयल डालने के बाद हमें इसे तीन से चार मिनट तक गर्म होने देना है हाई फ्लेम में जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए जब इसका हीट आपको दिखने लगे कि ये गर्म हो गया है उसके बाद उसमें जो हमने पहले पेस्ट बना कर रखा हुआ था हमें वो डालना है मैं इस क्वांटिटी में तीन से चार चम्मच नीम पेस्ट डाल रही हूँ आप कोकोनट ऑयल के क्वांटिटी के हिसाब से पेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं नीम पेस्ट ऐड करने से पहले आप गैस का फ्लेम कम कर लीजिए और फिर उसमें पेस्ट डालने के बाद आप दस मिनट तक उसको अच्छी तरीके से पकने दें दस मिनट के बाद आपको गैस का फ्लेम हाई करना है जब तक ऑयल का कलर डार्क ना हो जाए ऑयल का कलर डार्क होते ही आपको फ्लेम को ऑफ करना है उसके बाद उसको ठंडा हो जाने दीजिए ठंडा होने के बाद आप इसे किसी बर्तन में छान लीजिए छानने के बाद आप इसको एयरटाइट कंटेनर में दो से तीन हफ्ते तक रख सकते हैं इस ऑयल का कलर मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद इसका कलर किस तरीके का आता है सो so, बनने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का आता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा डार्क ग्रीन टाइप का कलर आया है इसका सो so, यही इसका एग्जैक्ट कलर है जब इस कलर का ऑयल हो जाए तब आपको अपना गैस फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है सो so, ये इसका परफेक्ट कलर है यानी कि मतलब परफेक्ट है कि आपका ऑयल बन के रेडी है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका कलर सो so, आप इसी कलर का तेल प्रिपेयर करिए सो इस ऑयल को रेगुलर यूज़ करने से आपके बालों की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी जैसे कि अगर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे और अगर आपके बालों में डेंड्रफ है तो डेंड्रफ के प्रॉब्लम्स को भी ये जड़ से ख़त्म करेगा अगर आपके बालों में स्कैल्प इन्फेक्शन या इचीनेस जैसा कुछ है तो ये हेयर ऑयल उसको भी ठीक करता है साथ ही आपके बालों को लंबा और घना बनाएगा सो आई होप कई आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर आपके फैमिली या किसी फ्रेंड्स के लिए ये हेयर ऑयल यूजफुल हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी करें साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपके लिए ये हेयर ऑयल इफ़ेक्टिव था या नहीं था एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आप तक आती रहे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक्स फॉर वॉचिंग